आज हम कुकर में राइस बनाएंगे। परफेक्ट राइस हम कुकर में ही बहुत जल्द बना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सारी रेसिपी आप तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, हमें लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए कुकर में हम राइस बनाते हैं। प्रेशर कुकर में राइस बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप चावल लिए हैं। यहाँ 250 ग्राम्स चावल है और इसे हम एक बॉल में डालेंगे और इसे अच्छे से पानी में धोएंगे। इसे धोना है। राइस को हम अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगो कर रखे थे और अब हम सारे राइस को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। और इसी कप में हम 2 कप पानी डालेंगे। हमने 1 कप चावल लिए थे तो 2 कप पूरे फुल कप वाटर डालेंगे। और थोड़ा सा और हम 1/4 कप और पानी लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। इसे अच्छे से हम मिला देते हैं और इसमें हम 1 टेबल 3 स्पून हम ऑयल डालते हैं, वाइट ऑयल है। 1 टी स्पून हम ऑयल डालेंगे। कुकर को हम फुल फ्लेम में रख दिए हैं। पानी को थोड़ा गर्म होना है। 2 मिनट पानी गर्म होने के बाद अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और देते हैं और 1 सीटी होने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को हम फुल फ्लेम में ही रखेंगे। सीटी आने पर अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर ठंडा होने के बाद हम इसको खोलेंगे। कुकर के पूरी तरह से इसमें से गैस निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, उसके बाद ही इसे खोलना है। चावल तैयार है और कुकर हमारा ठंडा हो गया और अब हम इसे खोलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए परफेक्ट राइस हमारा तैयार है कुकर में और अब हम इसे एक सर्विंग बोल में डालते हैं, राइस बोल में। देखिए हमारा परफेक्ट राइस तैयार है। इसी प्रोसेस में हम कुकर में बहुत जल्द राइस बना सकते हैं।